आज चौराई के साग का एक नया डिश बनाएंगे, जिसके लिए हमने चौराई ले लिया है, धुल के काट के अच्छा सा, इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। एक प्याज जिसको बारीक बारीक काट लिए हैं, हरी मिर्च दो जिसको महीन महीन काट लिए हैं, चना, आप इसको चना के दाल में भी बना सकते हैं, बेसन में भी बना सकते हैं, चना हम इसे चने में बनाएंगे, हरी मिर्च, लहसुन, इसको हमें एक मिक्सी में पीस लेना है, पानी नहीं डालना है, बगैर पानी का ही पीसना है। चना ले लेंगे, लहसुन, हरी मिर्च डाल देंगे, टीस्पून जीरा, हींग, इसको हम अच्छा सा पीस लेंगे दरदरा सा। ये देखिए बगैर पानी का इसको हम एकदम फाइन अच्छा सा पीस लिए हैं, इसी तरह हमको पीसना है सूखा सूखा। अब चौराई का साग डाल देंगे, प्याज और हरी मिर्च जो हमने काट के रखा है ये डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार, जीरा, सबको अच्छे से मिला लेंगे। ज़्यादा सूखा लगे तो आप एक आध चम्मच पानी डाल सकते हैं, वैसे नमक डालने पे पानी छोड़ता है। ये देखिए सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसको अच्छा से एक बाइंड देने के लिए इसमें दो चम्मच बेसन डालेंगे, इस तरह से गोल करते हुए इसको हल्का सा हमें इस तरह से चपटा कर लेना है। इसको हम इसी तरह सारी टिक्की बना लेंगे, फिर फ्राई करेंगे। ये देखिए सारी टिक्कियां हमने बना लिया है, अब फ्राई करेंगे। ये तेल अच्छा सा गर्म हो गया है, अब इसमें हम एक एक करके टिक्की डालेंगे, गर्म तेल में ही डालना है। ये देखिए जब थोड़ा सा एक तरफ से पक गया था तब इसको पलट दिए थे, अब इसको अलट पलट के लाल करके निकाल लेंगे। आराम से, बहुत आराम से इसको बनाना है। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी पकौड़ी है, इसको आप पकौड़ी कहिए, टिक्की कहिए, इसका नाम उसे हम लोग चौराई कचौरी बोलते हैं।